Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. So today we are going to read this chapter in English. Today mention the date today. Today is 27th of August 2021. Okay, so this is the date 27 August 2021. ये आप अपनी बुक में मेंशन करना. सो वी आर रीडिंग चैप्टर नंबर 5, इफ़ अ ट्री कुड टॉक. इसका क्या मतलब है? इफ़ अ ट्री कुड टॉक मीन कि कोई ट्री जो बात कर सकता हो. ओके, अगर ट्री बात कर सकता तो क्या होता. ओके, सो About this poem, the poet wants to tell us if a tree, river, air, animals and the earth could express their feeling, what all they would say to protect themselves from their unfair actions of a human beings. It means कि जो poet है वो हमारे को क्या describe करना चाह रहा है कि अगर river, tree, air, animal, earth वो बात कर सकते, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते, तो वो क्या कहते खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि जो हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ अनफेयर एक्शंस कर रहे हैं. जैसे हम ट्रीज़ को कितना कट करते हैं, रिवर को कितना डर्टी करते हैं, एयर में कितने सारे गैसेस मिक्स करते हैं, एनिमल्स को कैसे हम ईट कर लेते हैं, अर्थ पूरा ख़राब कर रहे हैं, मीन्स वाटर एयर सब पॉल्यूशंस हो रहे हैं. तो वो उनके अगर फीलिंग्स होती तो वो हमसे क्या कह पाते. तो इस चैप्टर में हम यही रीड करेंगे कि अगर ट्री बात कर सकता, अगर रिवर अपनी फीलिंग शेयर कर सकती, अगर एयर भी शेयर कर सकती फीलिंग्स अपनी, वैसे ही एनिमल और अर्थ भी अपनी फीलिंग शेयर कर सकते, तो वो क्या करते, खुद क्या कहते खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए. किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? अपन से, ह्यूमन बीइंग से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहते. सो फर्स्ट वी विल रीड दिस पोयम, देन वी विल लर्न द मीनिंग ऑफ दिस पोयम. इफ अ ट्री कुड टॉक व्हाट वुड इट से, डोंट चॉप मी डाउन जस्ट वॉक अवे. इफ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड आई से, डोंट डंप इन ट्रैश थ्रो इट अवे. If the air could talk, what would I say? The factories must learn to keep smoke away. If the animals could talk, what would they say? Help us to leave, we wish to stay. If the earth could talk, what would it say? Protect me by making every day Earth Day. Okay. सो इसमें हमारे को क्या कह रहा है कि अगर ट्री बात कर सकता तो ये क्या कहता. डोंट चॉप मी डाउन जस्ट वॉक अवे कि मुझे कट मत करो, भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से. इफ़ अ रिवर कुड टॉक व्हाट वुड इट से, डोंट डंप इन ट्रैश थ्रो इट अवे. क्या कह रहा है कि अगर रिवर बात कर सकती तो क्या कहती कि भाई मुझ में कचरा मत फेंको, थ्रो इट अवे दूर फेंको. इफ़ द एयर कुड टॉक व्हाट इट से, द फैक्ट्रीज मस्ट लर्न टू कीप स्मोक अवे. अगर हवा बात कर सकती तो क्या कहती कि भाई फैक्ट्रीज़ को बताओ कि स्मोक इधर ना करे, यानी हवा में जो धुआं है इतना डर्टी धुआं जो है, जो स्मोक है, वो कहीं और जाके करे, एयर में ना करे, क्योंकि एयर क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है उसके धुएं से. इफ़ द एनिमल्स कुड टॉक व्हाट वुड दे से, हेल्प अस टू लीव वी विश टू स्टे. अगर एनिमल बात कर सकता तो क्या कहता कि भाई हमें जीने दो, हमें भी इच्छा है जीने की. इफ़ द अर्थ कुड टॉक व्हाट वुड इट से, प्रोटेक्ट मी By making every day Earth Day. और अर्थ क्या कहता है कि भाई मुझे प्रोटेक्ट करो. कैसे प्रोटेक्ट करो? डेली अर्थ डे सेलिब्रेट करके, यानी जैसे हम अर्थ डे पे क्या करते हैं, हम प्लांट्स उगाते हैं, हम अपना एकदम फ्रेश रहते हैं, अर्थ डे सेलिब्रेट ऐसे किया जाता है ना. तो वैसे ये क्या कह रहा है, भाई अर्थ डे अगर बात कर सकता तो वो यही कहता है कि डेली अर्थ डे सेलिब्रेट करो. ओके, सो दिस पोयम इज़ अबाउट आर नेचर, कि जैसे नेचर है अपन उसको क्या कर रहे हैं, स्पॉइल कर रहे हैं, तो इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए. जैसे रिवर्स में हम क्या करते हैं, कचरा कर देते हैं, सो हमारी रिवर्स क्या हो रही है, बहुत गंदी हो रही है. वैसे ही ट्रीज़ कट कर रहे हैं तो ट्रीज़ क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. एनिमल्स को हम कट करके खा जाते हैं, तो इट्स अ वेरी बैड थिंग. ओके, सो ये सब क्या था हमारा,
किसके बारे में था? अपने नेचर के बारे में था। ये पोयम बहुत अच्छी है। इस पोयम में यही था कि हमें कैसे अपना नेचर बचाना है, क्योंकि उनमें अगर फीलिंग्स होती तो वो हमारे को कैसे रोकते, बट उनमें तो फीलिंग्स है नहीं ना, तो हम जैसे उनके साथ क्या कर रहे हैं, अनफेयर एक्शंस कर रहे हैं उनके साथ, जो कि बहुत क्या है, गलत है। ओके, सो दिस लर्न दिस पोयम, रीड दिस पोयम, नाउ यू हैव टू डू दिस वर्ड पार इन योर कॉपी। ये आपकी वर्ड पार्ट जो है वो आप अपनी कॉपी में करिएगा। थैंक यू।